How's that? नमस्कार, मैं अंजलि बख्तर बिहारी न्यूज से। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है। साल 1975 में शुरू हुए क्रिकेट विश्व कप का ये 12वां सत्र है जो इंग्लैंड वेल्स में खेला जाएगा। जो भी खिलाड़ी इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको सबसे अधिक अहमियत देने वाला मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड से नवाजा जाता है। हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें विश्व कप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। मार्टिन क्रो। साल 1992 के विश्व कप में न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 456 रन बना दिया था, वह इस टीम के कप्तान होने के साथ साथ कमेंटेटर भी हैं। हालांकि साल 1992 में न्यूजीलैंड टीम तो विश्व कप नहीं जीत पाई, लेकिन टीम के कप्तान मार्टिन क्रो ने अपनी बल्लेबाजी से मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। सनत जयसूर्या। इन दिनों आईसीसी से बैन झेल रहे श्रीलंका के बेहतरीन और हरफन मौला सनत जयसूर्या भी विश्व कप में अपने खेल से सबको चौंका चुके हैं। श्रीलंका टीम के लिए साल 1996 का वर्ल्ड कप बहुत बेहतरीन रहा था। इस साल ये टीम चैंपियन बनी थी और जयसूर्या को टूर्नामेंट में 221 रन और 7 विकेट लेने के कारण मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया था। लांस क्लूजनर। साल 1999 के विश्व कप में साउथ अफ्रीका के लांस क्लूजनर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट से अवार्ड से नवाजा गया, जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए भी मशहूर हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 281 रन और 17 विकेट भी हासिल किए। भारतीयों के साल 2003 का विश्व कप कई यादों से हुआ है। इन यादों में सबसे बड़ी याद खुद सचिन तेंदुलकर है। इस साल के विश्व कप में पूरी दुनिया ने ये जान लिया था कि लोग उन्हें क्यों क्रिकेट का भगवान समझते हैं। 2003 विश्व कप के सेमीफाइनल में मारा गया उनका छक्का भी अभी तक लोगों के जहन में ताज़ा है। सचिन तेंदुलकर ने साल 2003 के विश्व कप में 673 रन एवं 2 विकेट हासिल किया। आज तक के विश्व कप में किसी भी खिलाड़ी का ये बेस्ट स्कोर रहा है। हालांकि इस विश्व कप में फाइनल मैच में टीम इंडिया ने कामयाबी नहीं पाई, लेकिन इन्होंने अपनी शानदार प्रदर्शन से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड को जीत लिया था। ग्लेन मैग्राथ। साल 2007 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की बैकबोन रह चुके ग्लेन मैग्राथ को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से चुना गया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 26 विकेट अपने नाम करके विपक्षियों को चौंका कर रख दिया था। युवराज सिंह। भारतीय टीम के लिए साल 2011 का विश्व कप बहुत ज़्यादा खास रहा। 2003 के विश्व कप में मिली हार और 2007 के विश्व कप में खराब टूर्नामेंट होने के बाद भी 2011 का विश्व कप भारतीयों के बहुत कुछ करने का अवसर था। इस साल भारतीय टीमों ने विश्व कप में जीत एवं मध्य क्रम में आक्रामक बल्लेबाज युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला था। युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में 362 रन और 15 विकेट अपने नाम किया। मिचेल स्टार्क। साल 2015 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपनी स्विंग गेंदों से बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया। इस तेज गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 विकेट लिए थे और इन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे ये YouTube वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।